besties, I hope आप लोग सब ठीक हो. थोड़ा वायरल चल रहा है तो अपना ध्यान रखना. आई एम परफेक्टली फाइन. एंड आज की वीडियो आपको टाइटल से पता ही चल गया है कि मैं आज बात करने वाली हूँ कुछ चीज़ों के लिए. और काफ़ी टाइम हो गई थी हम लोग बात नहीं कर रहे थे वन ऑन वन, तो मैंने सोचा कि आज ये वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन रखते हैं. और मुझे क्योंकि कमेंट्स आए थे काफ़ी सारे जिसमें लोगों ने ये बोला कि आप कभी क्लियर नहीं करते हो, आप कभी बताते नहीं हो कि व्हाट हैपेंड विद दैट पर्सन, व्हाट हैपेंड विद दैट फ्रेंड, आप कभी ये चीज़ें बताते नहीं हो. मैं किस लिए नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उस इंसान से कनेक्टेड नहीं हूँ तो मुझे उसके बारे में सोशल मीडिया पर डालने का हक भी नहीं है. बट आई थिंक मैंने बहुत करेज करा एंड आई वॉच विजिटलिस की वीडियो जो रिसेंटली डाली थी, तो जब वो अपने बारे में बात कर सकती तो मुझे उससे करेज मिला. एंड मुझे लगा कि यार आप लोग मेरे बेस्टीज हो, आप लोग को भी पता होना चाहिए, थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए. तो मैं आज वही बताने आई हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था. बेसिकली पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी. मैं 4 साल से सिंगल हूँ, मैं 4 साल से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ. डेटिंग फेजेज आए हैं, डेट किया है मैंने. डेटिंग एंड रिलेशनशिप दोनों बहुत ही अलग चीज़ है. डेटिंग जो होती है वो उसमें आप इंसान को जान रहे होते हो, पहचान रहे होते हो, फिर आप उसको, आप लोगों ने कोई कमिटमेंट नहीं दी होती है, ठीक है, कि नहीं मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है एंड ऑल, आप जब उसको जानने की कोशिश करो, दैट इज़ अ डेटिंग फेज. रिलेशनशिप क्या है, जिसमें आप इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो प्रॉपर, ठीक है, जिसमें आप रिलेशनशिप में होता है कि आप इंसान से बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो. डेटिंग में भी आप करते हो दो, बट डेटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, रिलेशनशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग. डेट रिलेशनशिप इज अ प्रॉपर टैग, डेटिंग इज नॉट अ प्रॉपर टैग. डेटिंग इज यू आर ट्राइंग टू नो दैट पर्सन. सो आई वॉज डेटिंग दिस गाय, आई डोंट वांट टू से हिज नेम बिकॉज लाइक ऑब्वियसली मैंने कभी उसका नाम वैसे भी अपने इंटरनेट में नहीं लिया, बट यू नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आई वॉज डेटिंग दिस गाय, आई वॉज नेवर इन अ रिलेशनशिप विद दिस गाय, बिकॉज मैं 4 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई हुई हूँ. और मेरे लिए रिलेशनशिप बहुत बड़ी बात है. रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि मेरे कोई भी मिलेगा मैं उसको रिलेशनशिप दे दूंगी. मैं पहले इंसान को जानने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वो इंसान वर्थ है कि नहीं है मेरे टाइम का और मेरे लव का एंड ऑल. तो मुझे टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ इन चीज़ों में. और रिलेशनशिप का सीन यही है कि मैं रिलेशनशिप दे भी नहीं सकती हूँ इतनी ईजिली, बिकॉज मेरे लिए रिलेशनशिप इज़ अ बिग थिंग. ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने रिलेशनशिप रखा फिर ब्रेकअप कर लिया, फिर 2 महीने किसी और के साथ फिर ब्रेकअप 2 महीने के साथ. वो डेटिंग फेज में आप कर सकते हो, बट रिलेशनशिप में यू कांट डू इट, बिकॉज रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा टैग है और मुझे लगता है उसको निभाना पड़ता है अगर आप किसी को वो टैग देते हो या लेते हो, ठीक है. ही इज द वन ऑफ द वन पर्सन जिसको मैंने बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए डेट करा था, विच वॉज लाइक ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर मैंने उसे डेट करा, विच वॉज वेरी गुड. इट वॉज वेरी गुड. He was very nice. He was very sweet to me. He was very good to me. He used to give me princess treatment. मैं वो चीज़ कभी deny नहीं करूँगी कि उसने मुझे बहुत अच्छे से treat करा, मुझे बहुत अच्छे से रखा, ठीक है. अब लोग मुझे ये भी बोलेंगे कि नहीं आप इतना, आपको जब आपको इतना मिल रहा था तो आपने क्यों छोड़ दिया, यू आर टॉक्सिक दिस एंड दैट. पहली बात, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इंटरनेट पर, लोग मेरे बारे में बहुत सारे रूमर्स भी फैला रहे थे, ठीक है, सुनने को मुझे बहुत कुछ मिलता भी था, वो चीज़ें भी बहुत सारी थी. और वो तो चलो दूसरी बात है, इट डजंट मैटर टू मी, बट वो भी काफ़ी उस चीज़ का इनरोल था इस बात पे. बट द अदर थिंग, जो मेन बात थी, ये थी कि यू नो आप जब किसी पार्टनर के साथ रहते हो तो आपको बहुत सारी कंपैटिबिलिटी होती है, मेंटली फिजिकली इमोशनली, ये तीनों चीज़ें जो होती है कंपैटिबल होती है. और आजकल तो जब बोल सब बोलने लगे स्पिरिचुअली भी जो होती है, जो मुझे पता नहीं है, तो ये मुझे ये तीनों चीज़ें मायने रखती है. बट ऑब्वियसली जब मेरी इन तीनों चीज़ में एक भी चीज़ नहीं बनेगी इंसान के साथ, तो फिर मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ. आई वॉज डेटिंग हिम फॉर अ ईयर, विच वॉज वेरी गुड, विच वॉज वेरी नाइस. ही वॉज वेरी गुड टू मी, ही इज अ गुड गाय, आई विल नेवर डिनाई दैट, ठीक है. मुझे कभी उस इस चीज़ के लिए बोलना ही नहीं कि नहीं वो ही वॉज लाइक दैट, ही वॉज दैट. इन बहुत सारे रीज़न में ही वॉज नॉट गुड फॉर मी, ठीक है, बहुत सारे रीज़न में वो मेरे रीजन्स है जो कि मेरे लिए गलत है, तो वो ही वॉज नॉट गुड टू मी, बट ही इज अ नाइस गाय, ठीक है. तो आप जब अब आप
अब क्वेश्चन ये भी आएगा, एक साल क्यों बर्बाद किया? क्योंकि टाइम लगता है लोगों को जानने में. ऐसा नहीं होता कि आप किसी से मिले हो और एक महीने मिलते ही आप उसको रिलेशनशिप भी दे दोगे. नहीं भाई, टाइम लगता है जानने में, बहुत टाइम लगता है एक इंसान को जानने में, उसकी चीजों को जानने में, कि वो किस टाइप का इंसान है. और मैं आपको भी आज ये बता रही हूँ कि अगर आप किसी को डेट करना चाहते हो, किसी के साथ आप रिलेशनशिप चाहते हो, उसको डेट करो पहले, उसको जानो. क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप रिलेशनशिप टैग भी दे दो फिर वो इंसान आपकी तरह नहीं निकलता है और आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो वो वैसा नहीं होता है, तो आपको उतना बुरा नहीं लगता. बट अगर आप रिलेशनशिप में आ जाओ फिर आप स्टक हो जाते हो, और फिर क्योंकि यार बहुत लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, दे वॉन्ट टू बी इन अ वन रिलेशनशिप. तो उस चीज़ के लिए आपको बहुत सोच समझ के मतलब रिलेशनशिप ढूंढना चाहिए, किस इंसान को आप जान रहे हो, ये सब आपको देखना चाहिए. मैं भी उसी पीरियड में थी, मैं भी उसी पीरियड में जान रही थी कि वो इंसान कैसा है, क्या है, मेरे टाइप का है कि नहीं है, ठीक है, हमारी आगे बनेगी कि नहीं बनेगी. जिनमें बहुत सारी मेजर चीजें यही निकली थी कि वो नहीं बनेगी, जो कि मुझे ऐसा लगा था, ठीक है, मेरे माइंडसेट यही है कि नहीं. और मैं बहुत कंफर्टेबल थी उसके साथ काफी चीजों में, और जो कि बहुत अच्छी बात है. बट आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माई वर्क. मैंने पहले ही बोला था कि मेरे लिए मेरे काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है. कोई मैं बहुत ही क्लियर थी इन द बिगिनिंग, मैंने उसको भी बोला था ये बात, और मैं आज पूरे इंटरनेट में भी बोलती हूँ कि मेरे लिए मेरा काम पहले है, मेरे लिए और कोई पहले नहीं है, मेरे लिए कोई भी नहीं है. और उसको क्लियरली बोला था कि सी, अगर लाइफ में अगर मुझे चूज करने के लिए मिलेगा तुम्हें और मेरा काम, आई चूज माई वर्क, नॉट यू. आई वॉज वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग. सो यही है कि आई वॉज ऑलवेज क्लियर अबाउट दिस. मैं ऐसी इंसान हूँ, जब मैं डेट करती हूँ तो मैं बहुत ही अपने सारी चीजें ना टेबल पर रख देती हूँ. सी, दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज मी, डू यू थिंक यू कैन वर्क विद मी? इतने सारे सिनेरियोज में अगर अदर पर्सन को सही लगता है तो मुझे डेट करेगा, अगर उसे नहीं लगता है तो वो मुझे बोल देगा कि हाँ नहीं, यू आर नॉट माई टाइप, आई कांट लाइक टेक दिस, और मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब तो बोल देता है वो इंसान, ठीक है. तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ इन चीजों में. मुझे लगता है समा मैं गलती भी करती हूँ ये सब बता के, क्योंकि लोग ऐसा नहीं करते हैं. फ्रॉम द बिगिनिंग लोग दिखाते कुछ और है, और इन द मिडल वो बिकम दे बिकम डिफरेंट पर्सन. तो ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से. तो बिकॉज मैं स्टार्ट से लेके लास्ट तक सेम पर्सन ही हूँ. मेरे लिए अगर मैंने बोला मेरा काम प्रियोरिटी है, तो मेरे कितने भी क्लोज आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे काम प्रियोरिटी ही रहेगा. चाहे हमें 1 साल हो जाए, चाहे हमें 2 साल हो जाए, चाहे हमें 3 साल हो जाए, मेरे लिए मेरा काम प्रियोरिटी ही रहेगी. तुम नहीं हो मेरी प्रायोरिटी फर्स्ट. मैं बहुत ही क्लियर हूँ इन माइंड सेट, मेरा बहुत ही क्लियर है, और मैं लोगों को बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करती हूँ. मेरे को आई डोंट लाइक टू प्ले दिस गेम लाइक मैनिपुलेशन एंड टेलिंग देम नहीं दिस एंड दैट, झूठ बोलना, दैट्स नॉट मी. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट एवरी थिंग, कि दिस इज मी, कैन यू डू दिस एंड दिस एंड दैट. तो बहुत चीज़ों में हमारी नहीं बनी, मेरे लिए वो काफ़ी चीज़ों में कंपैटिबल नहीं था, और मैं भी उसके लिए काफ़ी चीज़ों में कंपैटिबल नहीं थी, जो कि आपको धीरे धीरे ही पता चलता है. मुझे हमें ऑलमोस्ट ईयर हो गया था, तो एंड में मुझे लगा कि नहीं, हम वी आर नॉट कंपैटिबल. सो तो एंड में क्रिएट हो गई सिचुएशन कि हमें ख़त्म करना पड़ा, एंड दैट इज़ फाइन. बिकॉज मैं यही बोलती हूँ कि मे बी उसकी लाइफ में मेरे से ज़्यादा बेटर इंसान हो, और मे बी मेरी लाइफ में उससे ज़्यादा बेटर इंसान हो, क्योंकि जो भी भगवान करते हैं वो आपके अच्छे के लिए करते हैं. अगर आप किसी इंसान के साथ नहीं हो तो आपको भगवान उससे अच्छा इंसान देगा. तो मे बी इन रीजन्स की वजह से हम साथ में नहीं है, या वट एवर रीज़न इज़. और मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है. देखो मेरे लिए, मैंने आपको बताया, मैंने अपने काम को चूज़ किया, मैं बहुत खुश हूँ. मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है. लेवल मतलब मेरे को आज तक जितनी भी चीज़ें दी है मेरे काम ने दिया है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, तो हर चीज़ मुझे मेरे काम ने दिया है. तो मैं अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, ठीक है. तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. माई बेबी इज़ प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. सो या प्रिटी मच क्लियर अबाउट दिस, कि यार मैं ने रिलेशनशिप एंड ही इसलिए हुआ है, रिलेशनशिप था नहीं, डेटिंग फेज जो हमारा था वो एंड ही हुआ है, कि हम कंपैटिबल नहीं थे एक दूसरे के लिए. मेरे साइड से बहुत था ऐसा कि नहीं है, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ अपने पार्टनर से. मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ अपने पार्टनर से बहुत चीज़ों में, क्योंकि यार देखो मेरा एक्सपेक्ट करना बनता भी है, क्योंकि मैं एक सेल्फ मेड वूमेन हूँ, मैंने हर चीज़ अपने लिए करी है. अब मैं अगर किसी इंसान को डेट करूंगी तो मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि वो मेरे लिए वो सारी चीज़ें करेगा.
जो कि इसलिए मैं डेट भी नहीं करती हूँ किसी को, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग एक्सपेक्टेशन में हो ही नहीं पाएंगे, उतर ही नहीं पाएंगे. तो इसीलिए बहुत चीज़ें हैं जो कंपैटिबिलिटी, सो बेसिकली रीज़न यही था कि कंपैटिबल नहीं है. मैंने, मेरे को यही रीज़न लगता है, मेरी उसका रीज़न अलग होगा. सेम एज आई सेड, मेरी स्टोरी में मैं अच्छी हूँ, उसकी स्टोरी में वो अच्छा होगा, किसी और की स्टोरी में वो अच्छा होगा. सो सबकी स्टोरी में सब अच्छे होते ही हैं. बट मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ और किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहती हूँ. और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हम कंपैटिबल नहीं थे, दैट्स इट. और वी वर डेटिंग ओनली, वी वर नॉट इन रिलेशनशिप. हम किसी रिलेशनशिप में भी नहीं थे और हम सिर्फ डेट कर रहे थे, ठीक है. और जो बातें और लोगों की भी है, जैसे फ्रेंड्स के में भी बहुत मामलों में आप लोग बोलते हैं आप क्लियर नहीं करते हो, आप क्लियर नहीं करते हो. यार मेरे खुद के रीजंस हैं उनके साथ ना रहने के. अब मैं एक एक बात बताने बैठ जाऊंगी, और स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया पे हैं मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज वो ऑलरेडी मेरा बहुत नाम लेके वीडियोस बना चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि वो और भी ज़्यादा क्रिएट करे ये सब चीज़ें, ये ड्रामा ये सब, क्योंकि हमेशा से लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है एंड नाउ दे आर डूइंग अगेन एंड अगेन. और फिर मैं उन्हें और रीज़न दूँ वो सब चीज़ें करने के लिए, तो मैं वो सब नहीं कर सकती हूँ. एंड द अदर रीज़न जो मैंने आपको बताया था, ऑब्वियसली बहुत रूमर्स फैल रहे थे कि दैट ही इज़ माई शुगर डैडी एंड ऑल शिट लाइक दैट. आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप किसी बंदे के साथ डेट पे हो, अगर आप किसी बंदे को डेट कर रहे हो और वो बंदा आपको गिफ्ट्स दे रहा है, तो इट डज मीन दैट कि वो शुगर डैडी बन गया आपका. शुगर डैडी मेरे हिसाब से जो आपके बिल्स पे कर रहा है, जो आपकी हर चीज़ कर रहा है, हारे सारे बिल्स पे कर रहा है. बट नोबडी इज पेइंग माई बिल्स डूड, आई एम द वन हु इज पेइंग माई बिल्स, आई एम द वन हु इज पेइंग फॉर दिस स्टूडियोज रेंट, आई एम द वन हु इज पेइंग माई ऑल शेट, मेरे कपड़ों से लेकर हर चीज़, मेरे इवन आई एम पेइंग थिंग्स फॉर माई मम ऑल्सो. सो इट डजेंट मीन कि इंसान आपको गिफ्ट दे रहा है तो वो आपका शुगर डैडी बन गया. नहीं भाई, आई थिंक या तो गर्ल्स की ना मैंटेलिटी ऐसी हो गई, मतलब क्योंकि उनको वैसा लड़का ही नहीं मिला है, क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ही इतनी छोटी होती है कि वो लड़का कुछ एक आपसे हंस के बात कर ले आप खुश हो जाते हो. नहीं, मेरे को नहीं चाहिए वो सब. तू मेरे से हंस के बात मत कर, तू मुझे गिफ्ट ला के दे, तू मुझे फ्लावर्स ला के दे, फिर मैं तुझसे बात करूँगी, तब मैं इम्प्रेस होंगी. मेरे से बस खुशी ऐसे हंस के बात करने से मैं इम्प्रेस नहीं होती हूँ, ठीक है. तो अगर वो इंसान मेरे लिए चीज़ें खरीद रहा है, वो इंसान मेरे लिए, मुझे इंसान अपने साथ कहीं लेके जा रहा है, पहली बात तो मेरे साथ रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है कि 50-50, और मेरे साथ ऐसा भी नहीं कि 100% वही दिखेगा. नहीं, माइन इज लाइक 70-30, आई विल डू 30, ही विल डू 70. तो वो 70-30 था हमारे में, मेरा कोई शुगर डैडी नहीं था. और रूमर्स फैल रहे थे पूरी जगह पे कि ही इज़ माई शुगर डैडी. ऑब्वियसली यार, बीइंग एन इंडिपेंडेंट वूमन, किसको अच्छा लगता है ये सब बातें सुनना, जब मैं अपनी सारी चीज़ें खुद से कर रही हूँ, जब मैं अपने सारे बिल्स खुद से पे कर रही हूँ, हर चीज़ मैं अपने लिए खुद कर रही हूँ, और फिर मुझे दिख रहा है कि इंटरनेट पे किसी और को क्रेडिट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं. और वो भी इतना गलत वे में, दैट ही इज़ माई शुगर डैडी. पहली बात तो मेरी एज का लड़का है, उसको वो मेरा शुगर डैडी कैसे बन गया, ठीक है. यू नो कितना बुरा लगता है. वैसे हर लड़की पे ये लाछन तो लगते ही है कि हाँ भाई इसका तो ये है उसका तो, वही कहना बहुत इजी है यार, बहुत इजी है. बट ऐसा, ये सब बहुत ही बेकार है कि आप किसी के ऊपर ये सब चीज डालो जबकि आपको कुछ पता ना हो. तो आज मैं ये बात क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था. तो ये बहुत ही रीजन भी था, मुझे बुरा लगता था ऑब्वियसली देख कर कि यार, मतलब या तो मेरा शुगर डैडी हो या तो मेरा कोई बिल पे कर रहा हो, तो मैं उसको ले भी लूँ कि हाँ भाई मेरा शुगर डैडी है, और हाँ चलो को बोलने तो दुनिया वालों को, ऐसे कुछ है भी नहीं. और फिर फालतू में बदनाम भी हो रहे हैं, नहीं इतना नहीं कर सकते भाई. तो यार इस चीज़ के ये भी चीज़ें काफ़ी थी. और फिर फोटोज लोग लीक कर रहे हैं, उसकी प्राइवेसी में लोग घुस रहे हैं, मुझे नहीं पसंद आती है सब चीज़ें. कोई इंसान प्राइवेट हो तो उसको प्राइवेट रहने दो ना यार, उसको प्राइवेट रहने दो. वो इंसान को नहीं पसंद पब्लिकली जाना तो मत करो. इतनी सारी ड्रामे होने के बाद मुझे भी समहाउ फील होता है कि क्या मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगी तो क्या मैं उसको शो करूंगी. बिकॉज लोगों के ना क्या होता है ना, अजम्पशन बहुत होते हैं. आप लोग बोलते, आप चाहते हो कि मैं उस इंसान को दिखाऊं, पर आप फिर उसके कलर्स पे कमेंट करोगे, उसकी बॉडी पे कमेंट करोगे, उसकी चीज़ों पे कमेंट करोगे. मुझे नहीं पसंद भाई, किसी को पसंद होगा कि उसके पार्टनर को लो अगले ये 10 लोग जज कर रहे हैं. आई डोंट लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई डोंट शो लॉट ऑफ थिंग्स. और बट मुझे लगता है कि बहुत करेज चाहिए कि अगर मैं किसी को डेट करूँ तो मैं उसको सोशल मीडिया पर डाल सकूँ. बट आई डोंट नो, लेट्स सी. राइट, फिलहाल आई एम नॉट डेटिंग एनीबडी,
आई ट्राई टू डेट समवन बट इट फेल्ड, इट गॉट फेल्ड. उसकी स्टोरी कभी बाद में आएगी बट या इट वॉज फेल्ड. बात करेंगे इस बारे में. अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में बात करें तो प्लीज इस वीडियो को 10,000 लाइक कर देना तो मैं उसके बारे में बात करूंगी. क्योंकि मेरी बहुत ही बकवास है, मतलब ओपन अप होना पड़ेगा. अपनी खुद की बहुत बेइज्जती कराई है मैंने उस चीज में. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मैंने काफी चीजों की इस वीडियो में कवर अप कर दिया है कि मैं किस चीज का आंसर नहीं देती हूँ, किस चीज का आंसर देती हूँ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बेस्ट इज बी केयरफुल. अगर आप भी किसी इंसान के साथ रहना चाहते हो तो उसको अच्छे से जानो. एक साल हो, दो साल हो, पर उसको जानो तभी आप उसके साथ रह सकते हो. बिकॉज आप अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में, तो आप उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हो. फ्यूचर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है, हर चीज में कंपैटिबल है कि नहीं है. ये तीन चीजें बहुत मायने करती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. ये तीनों चीजें मायने करती है. आप कुछ भी चीज आप डिनाई नहीं कर सकते, नहीं चलो भाई मेंटली मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा बट इमोशनली और वो बहुत अच्छा है, या इमोशनली मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा बट मेंटली फिजिकली बहुत अच्छा है. नहीं, ऐसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो. अभी आपको अच्छा लग रहा है इन द बिगनिंग बट लॉन्ग रन के लिए इट्स नॉट गुड. फिजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये तीनों चीजों में वो इंसान लैक कर रहा है तो वो इंसान आपका टाइप नहीं है. That's how I feel because nobody wants to compromise nowadays and I don't want to compromise. मैंने अपने आप को इतना strong और इतना बनाया है तो मैं क्या compromise करने के लिए थोड़ा बनाया life में. I want the best person. Yes. Okay. So that's it for this video. I hope this video will help you out, besties, and do like this video and do comment your thoughts and whatever. ठीक है. And please, please love me and keep supporting me. Love you. Bye.